कक्षा आठ के बच्चे मेरा गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं बीजी व्यंजक व सरल समीकरण, जिसमें सरल समीकरणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी मानक सरल समीकरणों पर, उन्हीं मानक सरल समीकरणों पर आधारित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। आज का प्रश्न है सरल समीकरणों का प्रयोग कर हल करो। पहला प्रश्न है एक्स धन तीन गुणा एक्स धन तीन, यानी एक्स धन तीन से दो बार गुणा हुआ है तो इसका मान होगा एक्स धन तीन का पूर्ण वर्ग। तो इसमें कौन सी सरल संख्या प्रयुक्त होगा, हम देखेंगे कि एक तो पूर्ण वर्ग है और बीच में धन का चिन्ह है, तो इसे हम सरल संख्या ए धन बी के पूर्ण वर्ग, इस सरल संख्या से ही यह सरल संख्या दो का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। इस सरल संख्या का मान होता है ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग। इस सरल संख्या से यदि हम इसकी तुलना करें, इसकी तुलना करने पर हमें मिलता है कि a की जगह x और b की जगह 3 है, a बराबर है x व b बराबर है 3। इसको यदि हम लें तो बायां पक्ष इसका होगा x धन 3, a की जगह x और b की जगह 3 लेने पर हमें x धन 3 प्राप्त होगा जो हमें हल करना है। अब दाएं पक्ष में मान रखेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, a का वर्ग जो होगा x का वर्ग धन दो ए बी होता है तो दो गुणा ए की जगह x और b की जगह 3, जो मान हमने यहां पर लिए हुए हैं। धन b का वर्ग धन 3 का वर्ग x का वर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसे हल करेंगे हम, दो गुणा एक्स गुणा 3, यानी दो को 3 से गुणा करेंगे तो 6 x धन 3 का वर्ग जो होगा 9। इस प्रकार x धन 3 को x धन 3 से गुणा करके हमें x की हाथ 2 धन 6 x धन 9 प्राप्त होता है, जो हमने बिना गुणा किए हुए सरल संख्या की सहायता से हल किया। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है 2y धन 5 गुणा 2y धन 5, यानी 2y धन 5 को हम 2y धन 5 से दो बार गुणा किया है तो यह भी होगा 2y धन 5 का पूर्ण वर्ग। अब यहां भी सरल समीकरण a प्लस बी ही लगेगी क्योंकि बीच में धन का ही चिन्ह है और पूर्ण वर्ग भी है, तो इसके हम सरल समीकरण a धन b के पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग से तुलना करेंगे। ये सरल समीकरण आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। तो a का मान यहां होगा 2y और b का मान होगा 5। इस सरल समीकरण में अगर हम इसके बाएं पक्ष में इसका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2y धन 5 का पूर्ण वर्ग। a का वर्ग जो होगा 2y का वर्ग धन 2ab, 2 a की जगह 2y और b की जगह 5 धन 5 का वर्ग। अब 2y का वर्ग, दो का भी वर्ग होगा और वाई का भी वर्ग, दो का वर्ग 4 वाई की घात 2, दो दूनी 4 चार पंजे 20 वाई धन 5 का वर्ग जो होगा 25। इस प्रकार हमने 2y धन 5 गुणा 2y धन 5 को हमने हल किया। अब हम लेते हैं इसका संबंधित तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 2a ऋण 7 2a ऋण 7, यानी हमने इसे गुणा किया तो हमें 2a ऋण 7 का वर्ग प्राप्त होगा। अब हमें इसमें सरल संख्या आएगी, बीच में यहाँ ऋण का चिन्ह है और यहाँ पूर्ण वर्ग भी है तो a ऋण b, तो इसकी हम तुलना करेंगे सरल संख्या a ऋण b के पूर्ण वर्ग से जो होगी a का वर्ग ऋण 2ab धन b के वर्ग से इसकी हम तुलना करिए। तो तुलना करिए तो इस भाग की हमने इस भाग से तुलना करी तो a की जगह 2a और b की जगह 7 आएगा व b की जगह हमें प्राप्त होगा 7। अब हम इस मान को इस सरल संख्या में रखेंगे तो बाएं पक्ष में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2a ऋण 7, इसका पूर्ण वर्ग है जो हमें ज्ञात करना है। तो दाएं पक्ष में मान रखने से हमें इसका गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो a का वर्ग की जगह आएगा 2a का वर्ग ऋण 2ab, 2 गुणा 2a गुणा 7 धन b का वर्ग, यानी 7 का वर्ग। हमने
ए की जगह दो ए और बी की जगह सात रखे हैं, प्राप्त किया। अब दो ए का वर्ग, दो का भी वर्ग होगा जो होगा चार, दो बड़ा दो चार होता है, ए का वर्ग ऋण दो दूनी चार, चार सत्ते अट्ठाईस ए, और धन सात सत्ते उनचास। इस प्रकार हमने यह तीसरा प्रश्न भी सरसंख्या की सहायता से हल किया। अब हम लेते हैं इसका चौथा प्रश्न। अब हम लेते हैं एक और प्रश्न जो हमारा चौथा प्रश्न है, यह है 6x धन 7 × 6x - 7 यानी 6x धन 7 और 6x ऋण 7, दो व्यंजक हैं जिन्हें हमें परस्पर गुणा करना है। इसे हम देखते हैं कि व्यंजक का पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों जगह समान है, यहाँ धन का चिन्ह है और तो यहाँ ऋण का चिन्ह है। एक सरसमिका हमारे पास यहाँ भी थी, इसके मिलती हुई एक सरसमिका है हमारे पास, उस सरसमिका का हम प्रयोग करेंगे जो है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी इक्वल टू होता है, बराबर होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो इसका यदि हमने प्रयोग करा, का प्रयोग करने पर तो यहां हमारे पास ए की जगह प्राप्त होगा हमें 6x 6x, व बी की जगह हमारे पास है 7। इसे हम रखते हैं, यदि इसके बाएं पक्ष में रखें तो हमें ये भाग प्राप्त हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में हमने रखा ए धन बी है तो 6x धन 7, और ए ऋण बी है तो 6x ऋण 7। अब हम इसके दाएं पक्ष में जाते हैं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए की जगह है 6x इसका वर्ग, ऋण बी की जगह है 7 का वर्ग। तो 6x का वर्ग, पहले 6 का वर्ग करेंगे 36, x की घात 2, ऋण 7 का वर्ग जो होगा 49। प्राप्त हुआ 36x की घात 2 ऋण 49, इन दो व्यंजकों को परस्पर गुणा करके। अब हम लेते हैं इसका अगला प्रश्न। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न जो पांचवा प्रश्न है, 1.1m × 10.4 को हमने गुणा किया 1.1m × 10.4। इस व्यंजक को हम देखें तो इसका पहला पद और दूसरा पद, और पहला पद और दूसरा पद दोनों समान है, यहां धन का चिन्ह है और यहां ऋण का चिन्ह है। तो यहां भी सरसमिका प्रश्न जो इसका चौथा प्रश्न था उसी से मिलती हुई आई, वही वाली सरसमिका आएगी। तो सरसमिका क्या होगी, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का प्रयोग करा हमने, का प्रयोग। इस सरसमिका का यदि हम प्रयोग करें तो हमें ए की जगह हमारे पास, यानी पहला पद है 1.1m और बी की जगह हमें प्राप्त होगा 10.4। अब हम इसको इसके बाएं पक्ष में रखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में रखेंगे इस सरसमिका के, तो हमारे पास आएगा 1.1m × 10.4 × 1.1m ऋण 10.4। अब यह हमें ये प्रश्न प्राप्त हो चुका है, तो इसका जो दाहिना पक्ष है उससे हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा, ए का वर्ग यानी 1.1m का वर्ग ऋण 10.4 का वर्ग। अब 1.1m का वर्ग, पहले हम 1.1 का वर्ग करेंगे, यदि इसे हम 11 लें तो 11 का वर्ग 121 होता है, वर्ग में दो बार गुणा किया तो 0.2 स्थान बाद आएगा, यानी 1.21m का वर्ग ऋण, 4 का वर्ग 16 होता है, यहां पे 0.2 स्थान पर आएगा, तो ये इस प्रकार होगा 1.21m का वर्ग ऋण 10.16। इस प्रकार हमने आज 5 प्रश्न हल किए। आज के लिए बस इतना ही। इसी कार्य को और इसके संबंधित अन्य प्रश्नों को आप घर में भी हल करेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।